नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर सचिन पायलट की बात करी जाए तो उन्होंने बीते दिनों बीजेपी की सरकार और वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, उनके खिलाफ अनशन किया था, हंगर स्ट्राइक जिसको नाम दिया गया। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें एक डर का माहौल हो गया कि क्या जो सचिन पायलट हैं वो उन्हीं की सरकार के खिलाफ तो अनशन नहीं कर रहे। इसको लेकर जो है वो सचिन पायलट ने कई बार सफाई दी, हालांकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे ने न सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बल्कि सचिन पायलट पर भी हमला किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी फिलहाल ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा बीजेपी की पार्टी से। हालांकि अगर उम्मीदवारी की बात करी जाए तो बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐलान कर देती है और जो चेहरा होता है जब चुनाव लड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। अब आपको बता दें फिलहाल खबरें क्या मिल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को अशोक गहलोत के साथ मिलीभगत के आरोप को लेकर सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई लोग जानबूझकर एक ही झूठ बोलते आ रहे हैं, वो तो मिले हुए हैं, उनमें तो मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि जिनसे सिद्धांत नहीं मिलते, जिनसे विचारधारा नहीं मिलती, जिनसे रोज रोज अमर्यादित भाषा सुनने को मिलती हो, उनसे मिलीभगत कैसे संभव है। उन्होंने पूछा कि क्या कभी दूध और नींबू का रस आपस में मिल सकते हैं। वसुंधरा राजे गुरुवार को सूरतगढ़ दौरे पर विश्नोई समाज के मंदिर पहुंची थी। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम ने इशारों में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा ने कहा कि विश्नोई समाज के 20वें नियम में है अहंकार का त्याग, जो ना छोटों से सदव्यवहार करे और ना बड़ों का सम्मान करे। हमारी पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। साफ तौर पर इशारा सचिन पायलट की ओर था। राजा ने गहलोत सरकार के महंगाई राहत कैंप पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विश्नोई समाज का 10वां नियम है क्षमा, पर जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। 12वां नियम है चोरी नहीं करना, भ्रष्टाचार एक किस्म की चोरी ही है। जहाँ बिना पैसे काम नहीं होते वहाँ महंगाई कैसे कम होगी, इस तरह की बातें जो है वो लगातार जो है वो वसुंधरा राजे करती हुई नजर आ रही हैं। बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या वसुंधरा राजे जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई हैं, बीजेपी उन पर एक बार फिर से क्या दाव लगाती हुई नजर आएगी। क्योंकि इस रेस में तमाम नेता हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है वो जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उनका भी नाम आता है, वो भी गहलोत पर हमलावर रहते हैं। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन वसुंधरा राजे से लेकर तमाम और नेता हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी में आए या फिर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में एक भी बार सोचे। तो फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कांग्रेस की सरकार क्या एक बार फिर से बन सकती है या फिर जो दावे किए जा रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी ये दरअसल खोखले हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।